नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। खैरलांजी जनपद पंचायत ग्राउंड में बन रहे सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण जनता में भारी आक्रोश। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 एवं गरीबी रोजगार कल्याण अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी द्वारा जनपद पंचायत की भूमि पर बन रहे सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य को लेकर जनता में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। खैरलांजी में जनपद पंचायत की भूमि पर बन रहे परिसर निर्माण को लेकर 15 अगस्त को ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत के सीईओ एवं क्षेत्रीय विधायक को मौखिक रूप से निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की गई थी। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला एवं दशहरा पर्व समिति के अध्यक्ष महेश लिल्हारे एवं व्यापारियों तथा ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जनपद पंचायत ग्राउंड भूमि पर कई वर्षों से नवरात्रि पर्व, दशहरा पर्व, गणेश चतुर्थी एवं कई धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न होते हैं एवं राजनैतिक कार्यक्रम तथा कई शासकीय कार्यक्रम संपन्न होते हैं एवं हर सप्ताह शुक्रवार को बाजार भी लगता है। दशहरे पर्व समिति एवं व्यापारियों द्वारा 15 अगस्त को पंचायत की भूमि पर हो रहे परिसर निर्माण कार्य को बंद करवा दिया गया था, लेकिन 25 अगस्त को पुनः कार्य प्रारंभ होने से समिति एवं व्यापारियों द्वारा आज 26 अगस्त को निर्माण कार्य बंद करने को लेकर जनपद पंचायत के सीईओ इंदौरकर को लिखित ज्ञापन सौंपा गया एवं परिसर निर्माण कार्य पर स्टे लगाने को लेकर तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन सौंपा गया। समिति एवं व्यापारियों ने मांग की है कि स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य जनपद पंचायत के बाजू में स्थित ग्राम पंचायत की भूमि पर बनाया जाए। ज्ञापन सौंपने में भाजपा युवा नेता मानसिंह बहेटवार, जनपद सदस्य रूपलाल पटले, राजकुमार बहेटवार, ज्ञानी राम लिल्हारे, जितेंद्र नागपुरे, संजय मस्खरे, देवराज मस्खरे, नाथुराम बागड़े, वरिष्ठ पत्रकार खुमेश डोंगरे, मुकेश भगत, फिरोज डोंगरे, पत्रकार किशन बहेटवार, पत्रकार दुर्गा बनोटे उपस्थित रहे। वहीं दशहरा पर्व समिति अध्यक्ष ने बताया कि खैरलांजी की ग्रामीण जनता के द्वारा उक्त भूमि पर परिसर निर्माण को लेकर भारी विरोध होने के बाद ग्राम पंचायत सचिव द्वारा परिसर निर्माण कार्य का काम बंद कर दिया गया था, लेकिन इतना विरोध होने के बाद भी जनपद पंचायत के सीईओ इंदौरकर के द्वारा 22 अगस्त को एक आदेश जारी कर चयनित जनपद पंचायत की भूमि पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य नहीं करने पर उक्त ग्राम पंचायत के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हर स्थिति की जानकारी सीईओ इंदौरकर को होने के बाद भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सवाल यह उठता है कि सचिव किस स्थिति में कार्य करें, ग्रामीण जनता में भारी आक्रोश एवं विरोध। इधर सीईओ का कारण बताओ नोटिस, सचिव जवाब किसे दे, जनता को या सीईओ को? जो आज ज्ञापन आपके द्वारा दिया गया, किस संबंध में दिया गया ज्ञापन? ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनपद पंचायत खैरलांजी में एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है और ये शौचालय का निर्माण जिस जगह किया जा रहा है ये इस जनपद के ग्राउंड में ही किया जा रहा है, लेकिन आए दिन इसका प्रांगण में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है, दुर्गा उत्सव के कार्यक्रम किए जाते हैं एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, इसके साथ साथ बाजार भी लगता है। और ये शौचालय जिस जगह बीच ग्राउंड में बनाया जा रहा है उससे आए दिन इन कार्यक्रम करने वालों को कहीं ना कहीं तकलीफ महसूस हो रही है। और इसके अलावा जनपद में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर एक तरफ थोड़ा सा स्थानांतरित करके इस शौचालय को बनाया जा सकता है। और माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी से हम लोगों के द्वारा निवेदन किया गया कि इसको जनमत को, यहाँ का जनमत भी चाहता है, जनता के हित में थोड़ा सा इसको स्थानांतरित करके साइड में बना लिया जाए। तो वो जनमत को ध्यान में रखते हुए सीओ साहब से ये निवेदन किया गया कि इसको थोड़ा सा स्थानांतरित कर लिया जाए और उसका निर्माण कराया जाए। जैसे यहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत खैरलांजी को परिसर निर्माण का कार्य सौंपा गया तो ये जनपद की भूमि पर बना रहा है जबकि पंचायत के पास जमीन उपलब्ध है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? यदि ग्राम पंचायत को इन्होंने भूमि हैंडओवर कर दिया हो, यदि जनपद पंचायत ने, तो मेरे ख्याल से ये निर्माण कर सकती है। और माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी से हमने कहा भी इस विषय पे, तो उन्होंने कहा कि आप अतिक्रमण हटा दो। तो सीओ साहब का ये गैर जिम्मेदाराना जवाब था कि यदि अतिक्रमण को जनता हटाएगी तो यहाँ माननीय तहसीलदार महोदय बैठे हैं, सीओ साहब हैं, सीओ साहब को हमने कहा भी कि आप माननीय तहसीलदार जी को बोल करके अतिक्रमण हटवाने के लिए कार्रवाई करवा लें, तुरंत आपको आदेश मिल जाएंगे, आप करवा देंगे। अभी पता चला कि सीओ का कहना यही कि मैं शौचालय यहीं बनाऊंगा। सीओ साहब ने बिल्कुल अपना ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया है और यहीं बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने किया। और ये मेरे ख्याल से जिस हिसाब से उन्होंने जवाब दिया जनता को यहाँ के, वो गैर जिम्मेदारों ने जवाब था और जो व्यवहार उन्होंने यहाँ की जनता के साथ किया है, इसके पूर्व भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि सीओ साहब जो जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं और ये जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो बातचीत का तरीका है वो अनुचित है।
ऐसा एक मामला ग्राम खैरी में है जहाँ पे 100 सालों से मेला भर रहा है, वहाँ भी ऐसी शौचालय का मामला है, आपके संज्ञान में मामला है? थोड़ा सा संज्ञान में आया था सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी मैंने उस स्थान को जाकर के नहीं देखा है और कल हमारी वहाँ भी जाने की तैयारी। खबर समय जगत के लिए खैरलांजी से कृष्णा बहेटवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।